आए दिन पत्रकारों पे हो रहे हमले को लेकर शहर में पत्रकारों के विभिन्न संगठन के द्वारा काला पट्टी लगाकर पूरे शहर में घूमकर विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले दिन बंद के दौरान भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्रकार बंधुओं के साथ धक्का मुक्की एवं अभद्र व्यवहार किया गया, जो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाती है और कतई इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत उन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी दी एवं आग्रह किया कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को ढूंढकर प्रशासन उसे सजा के लिए सुनिश्चित करे, ताकि हम लोग निष्पक्ष न्यूज कवरेज कर सके। हम अपने चैनल के माध्यम से भी समस्त संगठन से यह आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह के घटना से बचे, क्योंकि पत्रकार आपके लिए कार्यक्रम का कवरेज करते हैं। साथ ही प्रशासन को भी मामले को गंभीरता से लेते हुए वैसे सामाजिक तत्व जो इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं उसे तत्कालीन गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करें एवं पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करवाएं। देखिए, आए दिन हमारे पत्रकार बंधु पर काफ़ी हमला हो रही है। कल की भी घटना है, कल भी बंद के दौरान हमारे पत्रकारों पर हमला हुई है, जिसमें कि 2-3 पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की किया गया। तो मैं आज आम जनता और सभी पार्टियों से ये आग्रह करता हूँ कि ये वो लोग उन्माद फैलाना बंद करें, अन्यथा पत्रकार है, पत्रकार अपना फर्ज निभाता है, पत्रकार अपना खबर करता है, लेकिन उस खबर के क्रम में अगर पत्रकारों पर हमला हुई तो अब पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पत्रकार रोड पर उतरेगा, सड़क पर उतरेगा और प्रशासन से लेके और मारने तक वाले को अच्छी से जवाब देना जानता है। और वो हमारे पत्रकार के जितने भी संगठन हैं दरभंगा के, सभी एक हो चुके हैं। और दरभंगा के जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ, जो आगाह हो जाएं, आए दिन अगर किसी भी पत्रकार के साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार हुआ तो अब पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेगा, पत्रकार खुल के जवाब देगा और सामना करेगा। हम लोग काला पट्टी लगा के और पूरे दरभंगा में हम लोग बाइक से ये कर रहे हैं, घूम रहे हैं और प्रशासन को आगाह कर रहे हैं। जो ये घटना हुई है उसका हम लोग निंदा कर रहे हैं और इस तरह का घटना हुआ तो कल हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं। अगर प्रशासन गुनाहगार जो है उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग आंदोलन आगे छेड़ेंगे।